फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें न्यू टेक वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं गूगल गो क्या है और ये कैसे काम करता है और इसकी मदद से आप किसी भी टॉपिक को क्विकली सर्च कैसे कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं, सबसे पहले ये जो एप्लीकेशन है गूगल गो, कुछ इस तरह का आइकन आपको दिखेगा। इसको आप प्ले स्टोर से डाउनलोड भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे इसको ओपन करते हैं तो देखिए कुछ इस तरह का आपको इंटरफेस मिलेगा आपके एंड्रॉइड फ़ोन के स्क्रीन पे। अब दोस्तों, यहाँ पे आप देखेंगे तो इसमें आपको वीडियो ट्यूटोरियल्स भी मिल जाते हैं। अगर आपको किसी भी तरह के सर्चेस करने हैं गूगल पे तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं और यहाँ पे आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सर्चेस करने के ऑप्शंस मिल जाते हैं। लेकिन गूगल पे अगर आप जाएंगे तो गूगल में आपको सिंपल जो टेक्स्ट सर्च होती है वो आपको टाइप करना पड़ता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे आप देखिए, पहला आप यहाँ पे टॉपिक सर्च कर सकते हैं टाइप करके, वॉइस सर्च कर सकते हैं, कैमरे से कोई भी टेक्स्ट है उसको कन्वर्ट करके ट्रांसलेट और सर्च भी कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे डिस्कवर का एक फीड मिल जाता है जिसमें आपको जो न्यूज़ है वो भी आपको उसमें कंटिन्यू मिल जाती है। इसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो आपको इमेजेस के थ्रू अगर सर्च करना है तो इमेजेस पे क्लिक कर सकते हैं और यहाँ पे आप सर्च इमेजेस के बटन पे क्लिक करके इमेजेस के थ्रू भी सर्च कर सकते हैं। और अगर आपको कई तरह के इमेजेस आपको चाहिए तो सभी कैटेगरीज में आपको इसमें इमेजेस भी मिल जाते हैं। फ़ोटोज़ आप वॉलपेपर्स डाउनलोड यहाँ से कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे GIFs जो फाइल्स होती हैं वो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं सोशल मीडिया पे शेयर करने के लिए। तो आप अलग अलग कैटेगरीज़ के जो GIF एनिमेशंस होते हैं छोटे छोटे, वो आप यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों, एक और बहुत ही यूज़फुल ऑप्शन है जो कि यहाँ पे है, वो है ऑल ऐप्स। यहाँ पे आप क्लिक करके जा सकते हैं और एक और गेस्चर इसका स्वाइप करके आप इस तरह से जा सकते हैं। यहाँ पे ऑल ऐप्स में आपको सारे जो भी बेस्ट वेबसाइट होते हैं अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से, वो सभी आपको इसमें मिल जाएंगे। सो सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे टॉप 10 में आपको जो भी वेबसाइट्स मिल जाते हैं, जो भी पॉपुलर वेबसाइट्स होते हैं वो आपको इसमें मिल जाएंगे। इसके बाद यहाँ पे सोशल मीडिया है, एंटरटेनमेंट है, गूगल के जो भी पॉपुलर वेबसाइट्स हैं वो आपको इसमें मिल जाते हैं, गेम्स है, ऑनलाइन गेम्स की जो भी वेबसाइट्स होते हैं वहाँ से आप गेम प्ले कर सकते हैं ऑनलाइन, और डाउनलोड वगैरह अगर आपको करना है तो वो भी आप इसमें कर सकते हैं। इसके बाद स्पोर्ट्स है, न्यूज़ है, सभी तरह के जो भी कैटेगरीज है, देखिए यहाँ पे शॉपिंग भी है, रेफरेंसेस भी है, पढ़ाई है कि नहीं करने के लिए तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं, बैंकिंग फाइनेंस से रिलेटेड और गवर्नमेंट। इसी तरह से दोस्तों, यहाँ पे काफ़ी सारे अलग अलग कैटेगरी में जो भी टॉपिक्स होते हैं उन सभी में आपको अलग अलग और जो बेस्ट वेबसाइट्स होते हैं वो यहाँ पर ऐड करे गए हैं। तो फ्रेंड्स, आप भी यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं और विजिट कर सकते हैं इन सभी वेबसाइट्स को डायरेक्टली। आप देख सकते हैं काफ़ी अलग अलग कैटेगरीज़ में काफ़ी बेस्ट वेबसाइट्स में जो है ऐड करे गए हैं। और ये जो ऐप है, आपके सर्चेस और जो कोई भी रिजल्ट आप सर्च कर रहे हैं इंटरनेट पे, कुछ भी ढूंढ रहे हैं, तो ये उस चीज़ को और भी ज़्यादा आसान बना देता है। सो फ्रेंड्स, इस एप्लीकेशन को भी आप ट्राई कर सकते हैं अगर आप यहाँ पे अलग अलग टॉपिक्स के थ्रू सर्च करना चाहते हैं। अगर आपके पास कोई इमेजेस हैं, फ़ोटो है, उसके थ्रू सर्च करना है कि इस इमेज का क्या मतलब, तो आप उसको डायरेक्ट इमेजेस के थ्रू भी इसमें सर्च कर सकते हैं। और अगर आपको नहीं पता कैसे इस एप्लीकेशन को यूज़ करते हैं, सर्चेस वगैरह कैसे करना है, तो इसमें यहाँ पे देखिए वीडियो ट्यूटोरियल्स पे क्लिक करेंगे तो इसमें आपको अलग अलग जो एप्लीकेशन है उसको कैसे यूज़ करना है, वो जो ट्रांसलेट वगैरह कैसे करना है और सर्च कैसे करना है, वो सब यहाँ पे आपको ट्यूटोरियल भी मिल जाता है। 30 सेकंड का बहुत ही शॉर्ट ट्यूटोरियल है, वो आप इसमें देख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों, इसको आप यहाँ पे कस्टमाइज भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे सेटिंग्स का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे वॉलपेपर्स वगैरह आप यहाँ पे होम स्क्रीन पे सेलेक्ट कर सकते हैं जो भी रखना चाहें। एंड यहाँ पे और भी कस्टमाइजेशन के ऑप्शंस इस ऐप में आपको मिल जाते हैं। तो इस एप्लीकेशन को अगर आप सर्चेस वगैरह करते हैं, इंटरनेट पर पढ़ाई करते हैं, थोड़ा बहुत सर्च करते रहते हैं कुछ ना कुछ, तो इस एप्लीकेशन टूल को आप ट्राई कर सकते हैं और ये फास्ट एप्लीकेशन है। सो फ्रेंड्स, ये था गूगल गो जो कि गूगल का ही एक लाइट वर्जन है और फीचर्ड एप्लीकेशंस और सारे वेबसाइट्स सभी कुछ इसमें आपको ऐड मिल जाता है एक ही ऐप के अंदर। सो ये था गूगल गो। फ्रेंड्स, कैसा लगा वीडियो? पसंद आया तो जरूर से लाइक करना और चैनल पे नया आए हो सब्सक्राइब करना। एंड इसी तरह के एजुकेशनल वीडियोस देखने के लिए चैनल पे एजुकेशनल प्लेलिस्ट है तो वो आप जरूर से चेक करें। उसमें मैंने काफ़ी सारी वेबसाइट्स और एप्लीकेशंस कवर करे हैं जो कि एजुकेशन से रिलेटेड हैं। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।